हाँ तो भाई, अप्रैल का मंथ खत्म होने वाला है और बॉलीवुड की काफी सारी मूवीज रिलीज हो चुकी हैं। लेकिन अब मई से लेकर दिसंबर तक वो कौन सी मोस्ट एक्साइटिंग और बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज हैं जो कि रिलीज होने वाली हैं, और इस वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये मूवीज सिर्फ बॉलीवुड मूवीज हैं, बट साउथ की भी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली हैं, जिस वजह से मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी दलोयरा। तो शुरू करते हैं मई से, जहां पे वरुण धवन की मास एक्शन थ्रिलर बेबी जॉन, जो कि 31 मई को रिलीज होने वाली थी, वह पोस्टपोन हो गई है। और सुनने में यह आया कि यह मूवी अब जून या जुलाई में रिलीज होगी। और इस मूवी में वरुण धवन के साथ कृति सुरेश और वामिका गावी लीड रोल प्ले करेंगी। और तो मैं ये बता दूं कि यह मूवी एक रीमेक है विजय थलापति की तेरी मूवी का, जो कि आई होप सो आप लोगों ने यह मूवी जरूर एक ना एक बार देखी होगी। तो अब नेक्स्ट मूवी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है चंदू चैंपियन, स्टारिंग कार्तिक आर्यन। ये मूवी ऑफिशियली मुरलीकांत पेटकर की लाइफ पे बेस्ड होने वाली है। और अगर तुम नहीं जानते कि मुरलीकांत पेटकर कौन थे, तो मैं ये बता दूं कि वो एक इंडिया के फर्स्ट पैरालंपिक स्विमर थे जिनने गोल्ड मेडल जीता था। और इन्हीं की लाइफ पे फोकस करेगी ओवरऑल चंदू चैंपियन की स्टोरी। और ये मूवी रिलीज होने वाली है 14 जून को। एंड फिर इसी मूवी के साथ कंगना रेनॉल्ट क्लैश करेंगी अपनी अपकमिंग मूवी से, जिसका नाम है इमरजेंसी। और ये मूवी पूरी तरीके से फोकस करेगी 1975 से लेकर 1977 तक जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी उस पे। और इस मूवी में कंगना रेनॉल्ट इंदिरा गांधी का रोल प्ले करेंगी। एंड देन उसके बाद अपन आ जाते हैं जुलाई में, जहाँ पे अक्षय कुमार की नेक्स्ट मूवी, जिसका नाम है सरफिरा, जो कि एक ऑफिशियल रीमेक है सूर्य की मूवी सुरुराई पोत्रू की। और ये मूवी रिलीज होगी 12 जुलाई को। एंड देन उसके बाद कॉप यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी, जिसका नाम है सिंघम अगेन, स्टारिंग अजय देवगन। और इस मूवी में इनके साथ काफी सारे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। और ये मूवी रिलीज होने वाली थी 15 अगस्त को, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ऐसी न्यूज आई है कि ये मूवी डिले कर दी गई है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन इश्यूज। और अब ऐसी भी न्यूज आ रही है कि ये मूवी को इसके मेकर्स दिवाली पे रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये काफी बड़ा क्लैश हो सकता है, क्योंकि इसके साथ और भी दो मूवीज हैं जो कि दिवाली के डेट पे आने वाली हैं। उनके बारे में मैं आगे बात करता हूँ कि वो मूवीज कौन कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले स्त्री 2 की बात कर लेते हैं, जो कि आने वाली है 30 अगस्त को। और ये तो तुम्हें पता ही है कि ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है। और इस मूवी के मेकर्स ने ये बात कंफर्म कर दी है कि इसमें वरुण धवन का कैमियो होगा एज भेड़िया। और इस मूवी के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट मूवी है शाहिद कपूर, जिसका नाम है देवा, जो कि दशहरे के दिन रिलीज होने वाली है। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये मूवी एक ऑफिशियल रीमेक है मलयालम मूवी का, जिसको रोशन एंड्रयूज ने डायरेक्ट करा था। और यही डायरेक्टर इस मूवी का रीमेक भी डायरेक्ट कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद कार्तिक आर्यन की करियर की हाईलाइट और बुलबुलिया का तीसरा पार्ट, यानी बुलबुलिया 3, दिवाली पर रिलीज होगी। और इस मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति दिनरी दिखेंगी, जो कि देखने लायक होगा कि इन तीनों में से कौन सी एक्ट्रेस मंजुलिका बनती है इस बार। एंड देन उसके बाद विक्की कौशल आ रहे हैं अपनी पीरियोडिक ड्रामा लेकर, जिसका नाम है छावा। और इस मूवी में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले करेंगे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। और इस मूवी में उनके साथ रश्मिका मंदाना भी होने वाली हैं। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं लक्ष्मण उत्तेकर, जो कि इससे पहले लुका छुपी और मेमी जैसी मूवी बना चुके हैं। और ये मूवी रिलीज होने वाली 6 दिसंबर को। एंड देन उसके बाद अक्षय कुमार अपने करियर के बुझते दिए को चिंगारी से जलाने आ रहे हैं एक मूवी के साथ, जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल, जो कि वेलकम फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट होने वाला है। और ये मूवी एक मल्टी स्टारर मूवी होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में उनके साथ हमें काफी सारे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। और ये मूवी रिलीज होने वाली है 20 दिसंबर को। लेकिन मेरी इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट कम वहाँ हो गई, जहाँ पे मैंने इस मूवी के डायरेक्टर का नाम सुना, जो कि है अहमद खान। और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये डायरेक्टर कौन है, तो तुम इन दोनों मूवीज के पोस्टर देख लो। एंड देन उसके बाद आमिर खान एक और बार ट्राई करेंगे कमबैक करने का विद द मूवी सितारे जमीन पर, जो कि अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ये मूवी इस साल रिलीज होगी या नहीं। लेकिन इस मूवी के अनाउंसमेंट के टाइम में ये सुनने में आया था कि ये मूवी 25 दिसंबर यानी क्रिसमस पर रिलीज हो सकती है। हाँ तो भाई, ये थी वो बॉलीवुड मूवीज जिनके लिए मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ। और तुम कमेंट में जरूर बताना कि तुम इन सब मूवीज में से कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। और उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि मैं साउथ की मूवीज पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत जल्द आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तीनों चीजें जरूर करना।